तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के हमने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व किए। अब जो हमारा अगला चैप्टर आता है पार्टनरशिप का, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। बेसिकली जो सारे अधिकतर प्रैक्टिकल है इस चैप्टर में से, वो सारे के सारे गुडविल निकालने के हैं। क्या हुआ है वो आपकी राठे की बुक का क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो है 48,000। उसके बाद जो रेट दिया हुआ है वो है 12,000। वो सन्डरी असेट एंड लाइब्रिटी 3,50,000 और 1,00,000 रुपीज दे के रखा हुआ है। और आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द गुडविल। ठीक है, तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, असेट दिया हुआ है और लाइब्रिटी दिया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल। तो कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेट को लाइब्रिटी से माइनस करना पड़ेगा। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो हमारी असेट है 3,50,000 रुपये और हमारी लाइबिलिटी है 1,00,000 रुपये। तो मैंने इसको इसके माइनस किया तो कितना आएगा, 2,50,000। तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई, 2,50,000। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100। तो हमको यहाँ पे कैपिटल कितनी देके रखी हुई, 2,50,000 रुपये। जो रेट देके रखा हुआ है वो कितना देके रखा हुआ है, 12%। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2,500 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 30,000। इसके बाद आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 30,000। अब मैं 48,000 माइनस 30,000 आ जाएगा कितना, 18,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया कितना, 18,000। अब हमको निकालनी है गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए आपको फिर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 12,000। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, 6×2 = 12, 6×3 = 18, इसको 1 या 50, 3,000 × 50 कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो इसका भैया हमारा गुडविल जो आ रही है वो कितना है, गुडविल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी राठे की ही बुक का है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी राठे की बुक का। तो इसमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेस। तो परचेसिंग ईयर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आपके जो कैपिटल है वो कितना देके रखा हुआ है, 4,00,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट देके रखा हुआ कितना, 15% देके रखा हुआ है। और आगे बोला एवरेज प्रॉफिट है आपका 90,000। और आगे बोला है द रेंट शॉप इंक्रीज बाय 500 पर मंथ फॉर द करेंट ईयर, आपका जो रेंट है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 500 रुपए पर मंथ से। आपको पूछा है गुडविल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सिंपल सा, ये जो रेंट दिया ना आपको, ये 500 रुपये पर मंथ, सबसे पहले इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। तो ये जो आपको 6,000 जो रेंट दिया हुआ है इसको आपको माइनस करना है एवरेज प्रॉफिट में से। तो एवरेज प्रॉफिट में से मैं 6,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 84,000। ठीक है, तो फिर हम वापस हमारी प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन में 100। तो हमारी कैपिटल है यहाँ पे 4,00,000, 4,00,000 का 15% निकालते हैं हम, तो 4,00,000 का 15% कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये। अब मुझे निकालना रहेगा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है ना, आपको 90,000 नहीं लेना है, जो रेंट पेड करने के बाद बचा हुआ 84,000 इसको यूज करना है, 84,000 माइनस 60,000। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24,000। आगे हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल में सुपर प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे परचेसिंग ईयर का, तो हमारी गुडविल आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट है हमारा 24,000 और परचेसिंग ईयर है 3। तो मैं 24,000 से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी गुडविल आ जाएगी 72,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपकी राठे की बुक का क्वेश्चन नंबर 9, जो इसमें अगला क्वेश्चन देखे रखा हुआ है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल है आपकी फर्म की 4,50,000 रुपए, विच अर्न 12% प्रॉफिट। तो जो आपका रेट है वो कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। आगे बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। आगे पूछा फाइंड द वैल्यू
ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है भैया, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। तो हमारी जो कैपिटल है वो है 450,000 रुपये। ठीक है, जो रेट है वो है 12%। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं हमारा भैया कितना आ रहा है। तो ये 0, ये आ जाएगा 54,000। तो हमारा नॉन प्रॉफिट आया 54,000। उसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 54,000। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। अब हम गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में रेट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 6,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। रेट जो दिया हुआ है 12% दिया हुआ है। 12 से मैं 60 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 50,000। तो मेरा आंसर इसका गुडविल का 50,000। इसके साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपकी राठे की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 ही बने। तो इसमें पूछा है आपको गुडविल निकालना है और परचेसिंग ईयर दिया है 2.5 ऑफ एवरेज लास्ट 4 ईयर। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको 5 साल का प्रॉफिट देखे रखा हुआ है, पर ध्यान रखना क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है वो लास्ट 4 ईयर का पूछा है। तो लास्ट 4 ईयर कितना है, 17, 16, 15 और 14। इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। तो बेसिकली मैंने 20,000, 28,000, 32,000 और 40,000 डिवाइडेड बाई 2, इन सबको प्लस करते हैं। तो इनको सबको प्लस करने पे आएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 4। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 30,000। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है वो है 30,000। अब गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परचेसिंग ईयर का। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो देखे रखा हुआ है वो 30,000 दिया हुआ है और जो परचेसिंग ईयर है वो कितना है 2.5। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देते, 0 से 0, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो आ जाएगा 75,000। तो हमारी गुडविल आई 75,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमारे सारे प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ प्रैक्टिकल्स को लेके।